मोबाइल सारा टूट गया ही ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुबारक भाई जो है, करो इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। तो मुबारक भाई आज हमारे मेहमान बने हुए हैं, हमारी खुशकिस्मती है। इधर बैठे हुए मुकल्लफ भाई और ये आ गया जी मोबाइल। तो आईफोन अभी अभी हम लोग लेके आए हैं, मैं और जैन भाई। एक जैन भाई ने लिया है, एक मैंने लिया। तो अभी इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग, यहाँ पे खेतों के बीचों बीच बैठ के एप्पल वाले फ़ोन की अनबॉक्सिंग होगी। चलें जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुकल्लफ भाई इसकी अनबॉक्सिंग करें। अपग्रेड हो गया जी, बढ़िया। अच्छा मोबाइल जो है वो बार भाई, किचन कैसा लगा आपको? किचन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा, और अच्छा सेटअप किया है, काफ़ी मेहनत तलब काम है। और मुझे तो देख के काफ़ी वाकई बहुत ही अच्छा लगा कि सेटअप जो इन्होंने क्रिएट किया है मुकरम ने, बहुत अच्छा किया। और मैं भाई चाहूँगा कि ये मुबारक भाई करें। चले मुबारक भाई, आप खोलें। पहले माल्टा ना खा लिए। खालो खालो। चले नहीं, मुबारक भाई जो है वो अनबॉक्सिंग करेंगे। मुकल्लफ भाई ने कहा कि मुबारक। छुरी इतनी बड़ी लेके आए जैसे केक काटना है। नहीं, सेब काटना है, सेब काटना है। मुबारक भाई सेब काट। तो सेब को काटना शुरू करते हैं जी। ये पहले से कटा हुआ है, आधा सेब है। मुबारक भाई, मैं ना अपनी लाइफ च पहली दफा देख रहा आईफोन की अनबॉक्सिंग। मुबारक भाई, कैसा कलर है? माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कलर है। जबरदस्त, वाह जी वाह, क्या कहने भाई, क्या बात है। वारे वाह, वारे वाह, सेब आ गया, सेब आ गया। चक्की के लाई है सेब। चक्की तू सला आड़ी है। बार भाई, ये दुनिया का पहला सेब है जो कटा हुआ इतना महंगा है। बाकी सेब जो है वो इस तरह काट के कोई दे तो कोई खाए ना। लेकिन क्या करें, फिर नाम जो है वो फिर बिकता है, ऐसा ही है। चलें जी। तो ये भाई माशाल्लाह का काम भी अच्छा है ना, नाम ही नहीं, काम भी अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुबारक भाई, ये मैंने लिया है मुकल्लफ भाई के लिए। असल में अयान ने मुकल्लफ अपना मोबाइल दिखाओ। अच्छा, मुकल्लफ को था कि आईफोन लेने गए हुए हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसके लिए है। ये इसका फ़ोन है, ये अयान ने ना फेंक दिया था तो तोड़ दिया था। सही। तो अभी मैंने सोचा कि मुकल्लफ भाई के लिए जो है ना वो आईफोन ही ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, क्या बात है। अच्छा मुकल्लफ भाई, सोचा ही तुम आईफोन के बारे च? नहीं, वाकई नहीं सोचा। चलो हम सोच लो। सोच रहे मुबारक भाई। आन होंदे टाइम ले रहे हैं मुबारक भाई, पहली दफा फर्स्ट टाइम आन होगा तो जाहिर है। क्या क्या है मुबारक भाई, जरा देखें। मुबारक भाई, कलर कैसा है आपको लगा? कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और जब तक फोन जो है वो ऑन होता है इतनी देर में हम बाकी जो चीजें इसमें बॉक्स में वो भी आपको दिखाते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि आईफोन ने टाइम लेना है तो हम साथ साथ आपका टाइम सेव करते हैं। तो ये होगी जिसकी डाटा केबल, और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त पैकिंग की हुई है डाटा केबल की। माशाल्लाह जी, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें अडाप्टर नहीं है ना? अडाप्टर नहीं है, नहीं है इसका अडाप्टर नहीं है भाई बीच में। ये सिम वाली पिन होगी, सिम पिन। ये एप्पल का। और ये सेब भी है, सेब भी है साथ, अलग से एक्स्ट्रा सेब। तो जी अनबॉक्सिंग इतनी है इसकी। और मुकल्लफ भाई के लिए कह लेंगे गिफ्ट जो है वो आईफोन कर दिया मुकल्लफ भाई को मैंने। शुक्रिया। मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, ये पहले काफ़ी अच्छा है। मुकल्लफ का मोबाइल जो है वो टूट गया था, अयान ने इसे फेंक दिया था, ये डैमेज हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें थोड़े पैसे खर्च कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। इससे नीचे तो नहीं है कुछ? चेक करें मुबारक भाई, इसके नीचे शायद ये नहीं निकल रहा बाहर। मेरे ख्याल में इससे नीचे कुछ नहीं, नहीं इसके नीचे कुछ नहीं है। करम भाई, कितने का है मोबाइल?
कलो भाई ये आया 260 का कह लें, यानी हमें वैसे मिला 2,56,000 का। अच्छा, वैसे 2,60,000 का देते हैं ये। मतलब उन्होंने थोड़ी मोहब्बत की। स्पेशल डिस्काउंट की। हाँ, वो आपको पता ना जहाँ से हम मोबाइल का सामान लेके आते थे उनसे लेके आए हैं। अच्छा मुकरम भाई, इसकी मेमोरी कितनी है? इसकी 256 GB है। 256 GB मेमोरी जी। सही हो गया, माशाल्लाह जी। वाकई हूँ तो ही सर एप्पल वाले हो गए, ब्रांड वाले हो गए। मुंडा ब्रांडेड हो गया। ब्रांडेड हो गया। बहुत शुक्रिया बड़े भावों का ही फायदा भाई। ए हुन ए आला सर हुन तुसी फिर मेनू दे दियो। ठीक है, तुसी ले लो। अच्छा, ए अयान दा ना, ए हुन अयान नु दे दे। अयान नु दे दो, अयान नु दे दे। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा फोन है, कलर इसका जो है वो ये है। वैसे हम चाह रहे थे वाइट में मुबारक भाई, लेकिन वाइट में नहीं, नहीं वाइट से ये कलर अच्छा है। ये अच्छा है, वाइट जो है वो हाथ में गंदा जल्दी होगा, ये महसूस ही नहीं होगा। तो अभी इसमें ये चीज़ है, इसमें एक चीज़ है कि अगर इसमें आप चैनल भी अपना ओपन करते हैं तो वो भी सिक्योर है। और उसके अलावा इसमें ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपने डाउनलोड कर दी है ना, वो आपको बाय करनी पड़ेगी। इस लिहाज से तो फिर महंगा हुआ। खर्चे बढ़ गए। एप्लीकेशन कोई भी अगर आप मतलब उस तरह की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपको पहले बाय करनी पड़ेगी, फिर आप बाकी अदरवाइज। मेरे ख्याल में इसमें अपनी ऐप्स इतनी हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाय करने। अगर कोई ऐसी मतलब बंदे का दिल चाहे तो वो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ोन है, माशाल्लाह खूबसूरत है। अच्छा मुबारक भाई, इसका और जो 512 है ना, 512 GB, उसका साइज हर चीज़ सेम है, सिर्फ GB का फ़र्क है। GB में फ़र्क है और कीमत में तकरीबन लगभग कह लें कि 50 या 45,000 का फ़र्क है। 500 GB जो 512 है वो इससे महंगा है, तकरीबन 45,000 कह लें। चेक करो, नहीं लोड ज़्यादा हो जाए तो मोबाइल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी स्पीड? क्या जी? नहीं नहीं नहीं, लोड ज़्यादा होने पे इसके फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेमोरी फुल ज़्यादा होने पे नहीं, स्पीड ठीक रहती है इसकी, बड़ी अच्छी है। नहीं, मैंने इससे पहले आईफोन ही इस्तेमाल किया, इसलिए मैं मैं भी फर्स्ट टाइम ही हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे या देखेंगे इसको, लेकिन अभी देखें तो सैमसंग पे रहने वाले। मुबारक भाई के मुबारक हाथों ने इसकी अनबॉक्सिंग की है। मुबारक भाई, अब मुबारक भाई के मुबारक हाथों से, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू भी नहीं पढ़ा अभी तक। वो बात यही होती है, जहाँ तक बंदे की सोच है वहीं तक रहे। नहीं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है इसकी मतलब वीडियो के सिलसिले में, और उसके अलावा इसकी स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी है। मुबारक भाई, एक दो वीडियो देखी है मैंने, तो लुक तो आपके सामने है। नहीं नहीं, आपका तो लेने का इरादा बना, तो आपने रिव्यू चेक किया है ना? मैंने अभी लेने का इरादा नहीं किया, जब इरादा करेंगे फिर रिव्यू चेक करेंगे। ऐसा ही ऐसा फ़ोन है। अगर मुबारक भाई आपने लेना है तो आप ले सकते हैं, ये आप रखना चाहे तो आप रख। अगर आपने अभी से इरादा कर लिया तो आप ये रख सकते हैं, अपना ही है, कोई मतलब नहीं। चलें जी, ये तो होगी मोबाइल की अनबॉक्सिंग। और मुबारक भाई जो है ना, काफ़ी कह लें कि दिनों के बाद आए हैं, तो मुबारक भाई को मैं अपने किचन का विजिट करवाता हूँ, हो सकता है इनसे कोई और मुफीद और अच्छा मशवरा मिल जाए। एक्चुअली बात यह है कि मैं यहाँ पे था नहीं, गुजरांवाला गया हुआ था, काफ़ी मेरा टाइम जो अभी उधर लग रहा है, क्योंकि कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो मैंने विजिट नहीं किया था। और काफ़ी वीडियो मैंने देखी थी मुकरम की किचन की, तो मेरा इरादा देखने का मजा वो वीडियो में, मेरा इरादा बना कि आज लाइव देख के आते हैं, और वही मैं देखने आया, तो आगे माशाल्लाह एक नई इनको मुबारकबाद देनी पड़ेगी। मुबारक भाई के मुंह से मुबारकबाद। तो ये लेके आए थे तुम मुकल्लफ भाई, अब देखें मिठाई जो है वो कब खिलाते हैं। मिठाई तो पैगी भी है, पार्टी पार्टी होगी इंशाल्लाह, पार्टी पैगी, मिठाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिठाई तो छोटी चीज है, पार्टी पैगी है जरूर जनाब। आप मुबारक भाई थोड़ा विजिट करिए। मुबारक भाई, ये कह लेंगे इधर ना, गर्मियों में तो नहीं लेकिन सर्दियों में अगर वीडियो बनानी हो धूप में बैठ के, तो ये इसके लिए बना। हाँ नहीं, ये ज़बरदस्त हो गया, सही हो गया इसकी पहरा से। बार भाई ए चूल्हा बने अरे देखो, यानी कि आप भी स्टैंडिंग पोजीशन पे आ गए। हाँ, मैं क्या स्टैंडिंग चीज है कि अगर स्टैंडिंग का दिल चाहे तो इधर बैठना हो तो साइड पे बैठ सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं ज़बरदस्त ये चीज़ है। और इधर एक शेल्फ है, इधर एक चूल्हा भी बनाना इस साइड पे ना, एक चूल्हा इधर बनेगा, ये कटिंग बोर्ड कह लें आप।
माशाल्लाह ये ज़बरदस्त आइडिया है मुकरम ने जो बनाई है चीज़ें, तो खूबसूरत लग रही है सामने। इस टाइम तो सामने सूरज है मगर किसी भी वक्त यहाँ पे रोशनी का जो है ना वो इशू नहीं होगा, बारिश हो धूप हो सर्दी हो यहाँ पे बैठ के आप बड़े आराम के साथ कुकिंग कर सकते हैं। और सामने इंशाल्लाह बाग होगा, फलदार दरख्त यहाँ पे ना सामने। फिलहाल तो यहाँ पे सरसों है और इसका भी व्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इस दफ़ा यहाँ भी उतनी वीडियोज हम लोग नहीं बना सके क्योंकि टूर पे रहे हैं थोड़ा आगे पीछे, लेकिन इंशाल्लाह गर्मियों में और जो आने वाली सर्दियों में अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा और बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक और काम करें, क्या अंगूर की बेल लगा के ना यहाँ साथ उसको ऊपर चढ़ा दे। वाकई यार ये आइडिया बड़ा जबरदस्त दिया मारक भाई ने, इधर अंगूर की बेल लग सकती है। मारक भाई आपने लगाया हुआ अंगूर? अंगूर लगाया हुआ मैंने, उसकी दाब लगानी पड़ती है क्या? टहनी भी लग जाती है, वैसे भी पौधा सस्ते मिल जाता है इतना लेने में उसका पौधा। ये अंगूर वाला आइडिया सही है, छत भी सब्ज हो जाएगा बिल्कुल। देख लें जी एक मैंने भी छोटा सा मुफीद मशवरा दे दिया। ये भी अंगूर का मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था लेकिन ये बहुत अच्छा मशवरा, इसलिए कहते हैं कि मतलब किसी सियाने बंदे से मशवरा ले लेना चाहिए। नहीं अड्डे भी सियाने कोई नहीं है। तो माशाल्लाह बारक भाई फिर कैसा आपको लगा फाइनल किचन जो है? किचन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छी लोकेशन मुझे बहुत पसंद आई है। आगे सामने भी सारे खेत हैं और साइड पे भी खेत हैं, इस साइड पे भी खेत हैं, पीछे भी खेत हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। मुकल्लफ भाई तुहानू मोबाइल दी बहुत बहुत मुबारक सर। मुबारक वड्डे भरा हो तो फिर इस तरह दी अल्लाह ताला इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, और सेहत और तंदुरुस्ती भी। अच्छा अभी ये पूछे मुबारक भाई मुकल्लफ भाई को कि अब वीडियोस जो है वो किस तरह आएंगी? अब वीडियो पे वीडियो आएगी, अब धड़ाधड़ आएंगी, धड़ाधड़। चले सही हो गया। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।